भारतवर्ष सभ्यता और संस्कृति की अनुपम भूमि, सदियों से संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानने का उद्घोष करती अनूठी धरती, वाद विवाद से संवाद की ओर बढ़ते व्यापक दर्शन, विविधता को समेट कर एक संपूर्ण शक्ति बनने की सुंदर अंतर कथा, इन तमाम विशिष्टताओं के बीच यहाँ सत्ता के स्वाभाविक संघर्ष भी चलते रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ जब भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा को खंडित करने का प्रयास किया गया। हजारों वर्ष तक भारत ने विदेशी हमलों के झंझावात का सामना किया, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की संस्कृति पर संकट आए हैं, अंधेरा गहरा हुआ है, तब तब अंधियारे के विरुद्ध किसी न किसी एक रोशनी ने नई राह दिखाई है। ऐसा बार बार हुआ है। वर्ष 2004 में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय संवैधानिक व्यवस्था और जनादेश की आड़ में एक तूफान भारतवर्ष के स्वाभिमान को चुनौती देते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब इस तूफान को रोकने की हिम्मत बड़े से बड़े लोग नहीं जुटा पा रहे थे, तब एक दिए ने आगे बढ़कर उसे कामयाब चुनौती दी थी। इस दिए का नाम है कोडीपाक्कम नील मेघाचार्य गोविंद। एक आर्थिक विचारक हैं, एक राजनीतिक विचारक भी हैं, उनके विचार विचार के कई पक्ष हैं। उनके चिंतन की जो मूल प्रेरणा है वो तो एक शुद्ध देशज प्रेरणा है, और देश को सशक्त रखने के लिए केवल राजनीति से काम नहीं चलेगा, समाज को सशक्त रखना पड़ेगा। तो समाज के माध्यम से राजनीति नियंत्रित हो, समाज मजबूत हो उससे राजनीति पर प्रभाव पड़े, ये संभवतः उनकी विचारधारा है। गोविंदाचार्य के पिताजी 1945 में एक संस्कृत अध्यापक के रूप में बनारस आए। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ जीवन आसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घर की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती गई, एक एक कर घर के सारे गहने गिरवी रख दिए गए। इसी बीच मां को टीबी की बीमारी भी हो गई। दक्षिण में अपने सगे संबंधियों से सैकड़ों मील दूर आचार्य परिवार घोर संकट में जी रहा था, लेकिन संकटों के इस झंझावात में जीवन कभी रुका नहीं। धीरे धीरे आचार्य परिवार को बनारस रास आने लगा। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के सानिध्य में वे अपना दुख दर्द भूल जीवन पथ पर बढ़ते रहे। गोविंदाचार्य इस बीच बालक से तरुण हो गए, और उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए सन 1960 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी में प्रवेश ले लिया। उन दिनों बीएचयू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों का बड़ा केंद्र हुआ करता था। गोविंदाचार्य के मन में संघ को लेकर कई शंकाएं थी, लेकिन संघ के लोगों को नजदीक से देखने के बाद उन्हें अपनी सब शंकाएं निर्मूल लगी, और 16 मई 1961 को वे संघ के स्वयं सेवक बन गए। शीघ्र ही गोविंदाचार्य की गिनती संघ के होनहार स्वयं सेवकों में होने लगी। संघ के जो भी बड़े अधिकारी बनारस आते, गोविंदाचार्य को उनकी देखभाल के लिए साथ रखा जाता। उनकी संगत ने गोविंदाचार्य के
वैचारिक अधिष्ठान को बहुत मजबूत बना दिया। इस बीच 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। इस लड़ाई में मिली हार ने गोविंदाचार्य को झकझोर कर रख दिया। वे सब कुछ छोड़ संघ का प्रचारक बनना चाहते थे ताकि देश की सेवा कर सकें। लेकिन मां का कष्ट और कर्ज में दबा परिवार उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। अंततः 1965 में परिस्थितियां अनुकूल हुई और वे संघ का प्रचारक बनकर बिहार के लिए रवाना हो गए। 1965 में एक प्रचारक का जीवन बड़ा संघर्षमय हुआ करता था। ये संघर्ष बिहार में कुछ अधिक ही था, जहां एक ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचारकों को पीने के लिए दूध मिलता था, वहीं बिहार में दो वक्त की रोटी मिल जाए यही बड़ी बात थी। इस सब की परवाह किए बगैर गोविंदाचार्य ने भागलपुर जिले में पूरे जोश के साथ अपने प्रचारक जीवन की शुरुआत की। 6 महीने में उन्होंने पूरे भागलपुर को साइकिल से मत डाला। लोग कहने लगे कि यदि गोविंद जी से मिलना है तो संघ कार्यालय न जाकर किसी चौराहे पर खड़ा हो जाइए, कुछ देर में गोविंद जी वहीं मिल जाएंगे। इस मेहनत का परिणाम यह हुआ कि संघ का काम भागलपुर में तेजी से बढ़ चला। भागलपुर के काम को देखते हुए गोविंदाचार्य को जुलाई 1966 में पटना बुला लिया गया। यहां उन्होंने एक नई दुनिया देखी। उस समय भारतीय जनसंघ देश के राजनीतिक क्षितिज पर अपनी जगह बना रहा था। 1967 में उसे बिहार सरकार में शामिल होने का मौका मिला। संघ परिवार के लिए पटना महत्वपूर्ण बनता जा रहा था। 1969 में जनसंघ का बड़ा अधिवेशन, 1970 में संघ का महाशिविर, फिर 1972 में विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय अधिवेशन, सब पटना में हुए। पटना में रहने के कारण गोविंदाचार्य को इन सबको देखने, समझने और उनमें भाग लेने का अवसर मिला। इसी बीच 1972 में उन्हें ठाणे में संघ की एक अखिल भारतीय बैठक में भी जाने को मिला, जिसमें तत्कालीन सरसंघचालक गुरुजी गोलवलकर ने संघ परिवार के सभी संगठनों को एक तरह से अंतिम संदेश दिया था। इन सब घटनाओं से गुजरते हुए गोविंदाचार्य का व्यक्तित्व धीरे धीरे एक आकार ले रहा था। इस बीच 1971 का भारत पाक युद्ध हो चुका था, लेकिन इस युद्ध में इंदिरा गांधी ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की वो तेजी से क्षीण होती जा रही थी। कांग्रेस के प्रति लोगों में अविश्वास बढ़ रहा था। अनेक छात्र संगठनों के नेता बिहार और गुजरात की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन की तैयारी में जुट गए थे। इन संगठनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रमुख भूमिका थी, जिसकी ओर से उन दिनों राम बहादुर राय बहुत अधिक सक्रिय थे। जो बिहार में जो भी आंदोलन खड़ा हुआ और उसमें खास तौर पर जयप्रकाश जी का उस आंदोलन में आना, ये गोविंद जी और राम बहादुर राय जी का एक संयुक्त प्रयास का परिणाम था। जेपी का गोविंदाचार्य के प्रति विशेष स्नेह था। दरअसल 1967 में बिहार अकाल के दौरान साथ साथ राहत कार्य करते हुए दोनों के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हो गए थे। आगे चलकर यदि जेपी के मन में संघ के प्रति सकारात्मक सोच बन पाई तो उसमें गोविंदाचार्य की प्रमुख भूमिका थी। कुल मिलाकर जेपी में और गोविंदाचार्य में जो लगाव शायद इसीलिए रहा है, दोनों बहुत सहज लोग थे। गोविंदाचार्य जेपी के साथ साथ सभी छात्र नेताओं के भी बहुत निकट थे। इस कारण आंदोलन में उनकी सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बारे में संघ नेतृत्व से औपचारिक संवाद नहीं हो पा रहा था। इस कारण संघ में कुछ लोगों को लगने लगा कि गोविंदाचार्य सब कुछ अपने मन से कर रहे हैं। ये भ्रम काफी समय तक रहा। अंत में नागपुर की एक बैठक में तत्कालीन सरसंघचालक श्री बाला साहब देवरस ने स्वयं स्थिति स्पष्ट कर दी और कहा कि गोविंदाचार्य ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। उन्होंने गोविंद जी को साफ साफ बताया कि आंदोलन में आगे क्या और कैसे करना है।
उधर छात्र आंदोलन के चलते कांग्रेस नेतृत्व में बेचैनी थी, आंदोलनकारियों की धरपकड़ तेज हो गई थी। नवंबर 1974 में गोविंदाचार्य को भी गिरफ्तार करके गया की जेल में डाल दिया गया, लेकिन 3 महीने बाद फरवरी में वे पटना उच्च न्यायालय के फैसले से जेल से बाहर आ गए। इसके बाद उन्हें बिहार में संघ का कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख बना दिया गया। इसके 4 महीने बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। गोविंदाचार्य फिर पुलिस के निशाने पर थे, लेकिन इस बार गिरफ्तारी से बचते हुए उन्होंने आंदोलन में अपनी सक्रियता लगातार बनाए रखी। विद्यार्थियों के बीच गोविंदाचार्य ने जिस कुशलता से काम किया, उसे देखते हुए अप्रैल 1976 में संघ ने उन्हें औपचारिक रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भेज दिया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी वे विद्यार्थी परिषद में ही बने रहे। उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिल गई थी। 1981 से 1985 के बीच गोविंद जी ने दक्षिण भारत में विद्यार्थी परिषद के काम को आगे बढ़ाया। 1985 में उन्हें दिल्ली वापस बुला लिया गया। अगले कुछ वर्षों में गोविंदाचार्य ने उत्तर भारत में जमकर काम किया। 1988 आते आते यदि बोफोर्स का मुद्दा पूरे देश में छा गया, तो इसके पीछे विद्यार्थी परिषद और गोविंदाचार्य की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी एक ठहराव से गुजर रही थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा में 2 सीटों पर सिमट गई भाजपा को एक नई ऊर्जा और नए उत्साह की जरूरत थी। भाजपा में एक नई जान फूंकने के लिए संघ नेतृत्व के भीतर भी विचार मंथन चल रहा था। जेपी आंदोलन और विद्यार्थी परिषद में गोविंदाचार्य के काम को देखते हुए कई बड़े लोग उन्हें भाजपा में भेजना चाहते थे, लेकिन इसके लिए विद्यार्थी परिषद सहज नहीं थी। उधर गोविंद जी को भाजपा में भेजने के लिए दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इस दुविधा और असमंजस के बीच अंततः भाऊराव देवरस ने एक तरह से वीटो करते हुए फैसला लिया और गोविंदाचार्य को सन 1988 में भाजपा में काम करने के लिए भेज दिया गया। देश समाज और राजनीति की जिन्हें बहुत गहरी समझ थी, ऐसे 2 महापुरुष उस समय बहुत चिंतित थे। उनका नाम है नानाजी देशमुख और भाऊराव देवरस। तो दोनों ये महापुरुष इस बात की का सोच विचार शायद लंबे समय से कर रहे थे कि कौन वो व्यक्ति हो सकता है, कौन वो युवा हो सकता है जो इस रुके हुए परिवर्तन की राजनीति के रथ को आगे बढ़ा सके, जिसमें ये क्षमता हो, 2 बातों की क्षमता हो। एक क्षमता हो कि विपक्ष का संयोजन कर सके, और दूसरी क्षमता हो कि भारतीय जनता पार्टी में नई जान डाल सके। तो इसकी खोज दोनों को थी, और अंत में एक दिन नानाजी देशमुख ने भाऊराव देवरस को सलाह दी कि आप गोविंदाचार्य को बीजेपी में ले आइए। गोविंदाचार्य भाजपा में भेजे जाने को लेकर बहुत सहज नहीं थे। शुरुआत में कुछ दिन ऊहापोह की स्थिति रही, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने के लिए कमर कस ली। विचारधारा के प्रति आग्रह और चुनावी सफलता दोनों को ध्यान में रखते हुए गोविंदाचार्य ने पार्टी को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। 1989, 1996 और 1999 में दिल्ली में जो सत्ता परिवर्तन हुए, उसमें उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2000 के बीच भाजपा में जो कुछ भी हुआ, उसमें गोविंदाचार्य की छाप आसानी से देखी जा सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर पहुंच गई थी, गोविंद जी के प्रयास से वह मुख्य धारा में आई, और मुख्य धारा में आने का मतलब ही होता है कि कोई राजनीतिक दल दरअसल सार्थक तभी माना जाता है जब वो सत्ता की पार्टी बनने की तरफ बढ़े। गोविंद जी के प्रयास से पहला कदम हुआ कि वो मुख्यधारा में आई, और
उससे फिर उसका रास्ता खुला और अंत में जिसकी कल्पना तब नहीं की जा रही थी वो सत्तारूढ़ पार्टी भी बने। पार्टी के थिंक टैंक के रूप में विख्यात गोविंद जी ने अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा आभा मंडल दिया जो उस समय किसी और पार्टी के पास नहीं था। गोविंद जी जितना अपने योगदान के लिए चर्चित हैं, उतना ही वे भाजपा में अपने कार्यकाल के दौरान हुए विवादों के लिए भी जाने जाते हैं। जाने अनजाने ऐसी कई बातें हुई जिनके कारण 2000 बीतते बीतते भाजपा नेतृत्व और गोविंदाचार्य के बीच फासले बहुत बढ़ गए। ऐसे में उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वे थोड़ा समझौता करके भाजपा में बने रहते या अपने लिए एक नए रास्ते की तलाश करते। गोविंदाचार्य ने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना। वो भाजपा की सक्रिय राजनीति छोड़कर अध्ययन अवकाश पर चले गए। बनारस के शूर टंकेश्वर मंदिर में उन्होंने 6 महीने आत्मचिंतन किया। इसके बाद वे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भारत को नए सिरे से देखने और समझने में लग गए। अप्रैल 2003 में जब गोविंदाचार्य का अध्ययन अवकाश पूरा हुआ तो उन्होंने जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता करके सबको अपनी आगे की योजना बताई। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और आजन्म रहूंगा। दूसरी बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन में मेरी आस्था यथावत है और हमेशा बनी रहेगी। तीसरी बात, मैं अब किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को ग्रहण नहीं करूंगा, किंतु एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व से कभी विमुख नहीं होऊंगा। चौथी और अंतिम बात, देश की संपूर्ण सज्जन शक्ति के बीच संवाद, सहमति एवं सहकार स्थापित करने का प्रयास करूंगा, ताकि सभी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सम्मिलित रूप से अपना योगदान कर सके। गोविंदाचार्य अब राजनीति के ग्लैमर से दूर जनता के बीच थे। 60 वर्ष पूरा होने पर जब उनकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम हुआ तो उन्हें सुनने के लिए मेवाड़ इंस्टीट्यूट में लोग दूर दूर से आए। संयोगवश इसके ठीक अगले दिन अर्थात 13 मई 2004 को लोकसभा चुनाव परिणाम भी आ गए। जल्दी ही साफ हो गया कि अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री। गोविंदाचार्य राजनीतिक उठापटक से दूर हो चुके थे, लेकिन इस खबर ने उन्हें भी बेचैन कर दिया। ये सोचकर उन्हें दुख हो रहा था कि क्या भारत जैसे प्राचीन देश की पहचान महान संतों, पराक्रमी योद्धाओं और विद्वान मनीषियों की बजाय एक विदेशी महिला से होगी। उन दिनों गोविंदाचार्य वीपी हाउस में रहते थे जब सोनिया गांधी के सामने बड़े से बड़े लोग स्वयं को बेबस मानकर चुप बैठे थे। हालात की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत फैसला लिया और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का शंखनाद कर दिया। उनका साफ साफ कहना था कि वो एक विदेशी महिला को देश का प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने मीना बाग स्थित परिसर में 16 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक धर्मपाल भी उपस्थित थे। इसके दो दिन बाद 18 मई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रपति महोदय ने गोविंदाचार्य को राष्ट्रपति भवन बुलाया और बात की। इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से भी बात की और उनसे कई सवाल पूछे। इस बीच मामला तूल पकड़ चुका था। अपने को चौतरफा घिरती देख सोनिया गांधी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। इतने कम समय में घटनाएं इस तरह आकार लेंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। गोविंदाचार्य ने उस वक्त उस नस को पहचान लिया, उस नब्ज को पहचान लिया जो समाज का था, समाज के अंदर जो वलवला था उसको महसूस किया और उसको अभिव्यक्त दी। और यही एक बड़ी बात होती है जब सही मायने में आप समाज की बात बाहर कर सकते हैं तो एक आंदोलन या एक क्रांति हो जाती है। सोनिया गांधी के मसले पर गोविंदाचार्य ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। कुछ लोगों को लगा कि वे इसका राजनीतिक लाभ उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
सत्ता हासिल करने के लिए दलगत चुनावी राजनीति में उलझने की बजाय वे उसी रास्ते पर चल पड़े जिसे उन्होंने अध्ययन अवकाश के दौरान अपने लिए तय किया था। वर्ष 2004 के बाद से गोविंदाचार्य एक नई दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। पिछले 15 वर्षों में उन्होंने बौद्धिक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों का एक ऐसा ढांचा खड़ा कर लिया है जिसमें बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। गोविंदाचार्य आज की व्यवस्था को बदलकर एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अंत्योदय और प्रकृति केंद्रित विकास के सिद्धांतों पर आधारित हो। व्यवस्था परिवर्तन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो एक निश्चित कार्य योजना के साथ धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। 2003 के बाद से भी वो लगातार सक्रिय हैं, लगातार उनके देश भर में संबंध हैं और उनके साथ लोग जुड़े रहते हैं, युवा जुड़े रहते हैं, उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और वो किसी को राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के साथ जोड़ रखते हैं, किसी को गोरक्षा आंदोलन के साथ जोड़ते हैं, किसी को स्वदेशी आंदोलन के साथ जोड़ते हैं और तरह तरह के आंदोलनों के साथ अनेक तरह के युवा उनके साथ जुड़े रहते हैं। गोविंदाचार्य की गतिविधियों का पहला पक्ष बौद्धिक है। इसके लिए उनके पास आज सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, कौटिल्य इंटरनेशनल फाउंडेशन और भारत अभ्युदय प्रतिष्ठान जैसे कई केंद्र है। ये संस्थान समय समय पर सेमिनार और गोष्ठियां आयोजित करने के साथ साथ पुस्तकों के प्रकाशन और कई तरह के शोध कार्यों में लगे हुए हैं। अपने वैचारिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए गोविंद जी ने भारतीय पक्ष के नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली। इस बीच उनकी 3 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें उनके विचारों की साफ झलक मिलती है। गोविंद जी के काम का दूसरा आयाम रचनात्मक है। वो जमीन से जुड़कर काम करने पर जोर देते हैं। कम पूंजी, कम लागत के छोटे छोटे प्रयोगों को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे कुछ अनुकरणीय प्रयोगों को देश के सामने लाने के लिए गोविंद जी ने सर्वे भवंतु सुखिना नाम से कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनवाई। इसी कड़ी में रचनात्मक कार्य कर रहे व्यक्तियों और संगठनों के बीच सजीव संवाद स्थापित करने के लिए 2004 में ही भारत विकास संगम की स्थापना की गई। अब तक इसके 5 बड़े सम्मेलन हो चुके हैं। आम जनता के अलावा देश और समाज की अगुवाई करने वाले लोग भी भारत विकास संगम के कार्यक्रमों से एक नई अनुभूति लेकर गए हैं। बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों के साथ साथ गोविंदाचार्य उन आंदोलनात्मक गतिविधियों को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं जो राजसत्ता को अंकुश में रखने के लिए जरूरी हैं। इस काम के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का गठन किया है। सोनिया प्रकरण में देश का नेतृत्व करने के बाद से लेकर अब तक इस मंच ने गौरक्षा, गंगा, पंचायती राज, चुनाव सुधार, काला धन, स्वदेशी और किसानों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर समविचारी संगठनों के साथ मिलकर बहुविध आंदोलन किए हैं। गोविंदाचार्य दलीय राजनीति से दूर हैं, लेकिन दलगत राजनीति को मूल्यों और मुद्दों की पटरी पर लाने के लिए वे किसी भी ईमानदार कोशिश को अपना सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि देश की चुनावी राजनीति में सकारात्मक हस्तक्षेप की अभी बहुत गुंजाइश है। तो गोविंद जी का कुल मिलाकर बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और ईश्वर की कृपा से वो अपनी सहजता को, अपनी सरलता को, अपने स्वास्थ्य को बनाए हुए हैं। अपनी एक जीवन शक्ति के साथ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उनकी सोच के लोग राजनीति में भी बढ़ेंगे और तब फिर जिस तरह का राजनीतिक परिवर्तन गोविंद जी चाहते हैं, देश में चाहते हैं, जिस तरह का, वो परिवर्तन होगा। पिछले 19 वर्षों में ऐसा कई बार हुआ जब गोविंदाचार्य को दलगत राजनीति में वापस लाने की कोशिश की गई,
वर्ष 2004 से लेकर 2009 के बीच उन्हें भाजपा में दोबारा लाने के लिए कई गंभीर प्रयास हुए। इस बीच उन पर बनारस से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी दबाव डाला गया, लेकिन हर बार उन्होंने दृढ़ता के साथ मना कर दिया। वे अपनी मंजिल राजपथ पर नहीं बल्कि जनपथ पर चलते हुए हासिल करना चाहते हैं। उनका मानना है कि किसी पद या संगठन से बंधने पर उनके व्यापक लक्ष्य बाधित हो जाएंगे। अपने प्रत्येक भाषण के पहले यह श्लोक पढ़कर वो संभवतः बताते हैं कि इस मामले में भगवान कृष्ण उनके गुरु हैं, जिन्होंने कभी सिंहासन ग्रहण नहीं किया। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन के 75 वर्ष पूरा कर चुके गोविंदाचार्य ने स्वयं को अब उन संगठनों एवं मंचों से भी मुक्त कर लिया है जिन्हें उन्होंने 2000 के बाद बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। भारत विकास संगम और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन जैसे कई प्रमुख संगठनों की जिम्मेदारी अब उन पर नहीं बल्कि उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर है। यहां गोविंद जी ने अपनी भूमिका केवल संरक्षक और मार्गदर्शक तक सीमित कर ली है। गोविंदाचार्य पिछली जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं तो केवल इसलिए कि वे कुछ नई जिम्मेदारियां उठा सकें। ये सिलसिला 2009 के बाद और तेज हो गया है। वह भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नए ढांचे, नए लड़ाके और नए औजार विकसित करने में लगे हुए हैं। केवल वर्तमान पर नजर गड़ी रहेगी तो भविष्य तो धुंधला ही लगेगा। अभी की वर्तमान चुनौतियों को पार पाने के लिए सक्षम कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं तो उनको सौंप कर जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं उनके लिए तैयारी करना, मैं वही करूँ। आज गोविंदाचार्य कुछ गिने चुने व्यक्तियों और संगठनों तक सीमित नहीं हैं, वो सबके हो चुके हैं। उनकी सेवाएं हर उस काम के लिए उपलब्ध हैं जिसके पीछे अंत्योदय और राष्ट्र के परम वैभव का सपना है। इस समय देश भर में हजारों ऐसे लोग हैं जो गोविंदाचार्य को अपना मित्र, सहयोगी और मार्गदर्शक मानकर समाज का काम कर रहे हैं। मेरा सब लोगों के साथ का रिश्ता आदेश और आज्ञा पालन का तो नहीं है, ये तो स्वयं ही साहस, पहल और प्रयोग के आधार पर चल रहे लोग हैं। तो स्वाभाविक है उन सब के मिलाकर जोड़कर एक ताकत बने, उसका आधार तो रहेगा संवाद, सहमति और सहकार। अपने दृष्टिकोण में गोविंदाचार्य अपने समय से 2 कदम आगे जाकर सोचने वाले व्यक्ति हैं। वो उस परंपरा के हैं जिसमें अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ समाज का और समाज के लिए होता है। समझौता करना उनके स्वभाव का कभी हिस्सा नहीं रहा। वो हमेशा अपने कर्तव्य को लेकर सचेत रहे किंतु परिणाम की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। हंसते और हंसाते रहना उनकी सहज वृत्ति है। वास्तव में सफलता, असफलता, सुख दुख, लाभ हानि और आवश्यक अनावश्यक की उनकी अपनी परिभाषाएं हैं जिन्हें कुछ ही लोग समझ पाते हैं। ऐसा बार बार महसूस होता है कि गोविंदाचार्य एक निमित्त हैं। चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले निर्माणों के पावन युग में माना अगम अदाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है।